क्या फर्क है 2014 और 2019 में होने वाले एनपीआर में, या यूं कहें कि क्या फर्क है कांग्रेस और भाजपा के द्वारा कराए जा रहे एनपीआर में। लिखतम का हाल आपके सामने रख देता हूं, भक्तम तो आगे रखूंगा ही। कांग्रेस द्वारा जब ये लाया गया था 2010 में, जब ये कराया गया था, तो उस वक्त 15 सवाल पूछे गए थे, फिलहाल 21 सवाल पूछे जा रहे हैं। 6 चीज़ें एडिशनल इसमें ऐड की गई हैं, उसी की वजह से बहुत सारा बखेड़ा खड़ा हो रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, NDTV ने पूरा सर्च किया है, उनकी रिपोर्टर हैं मरियम अलवी, वो आपके सामने पूरी रिपोर्ट रख रही है, देख लीजिए। 2020 के लिए जो एनपीआर क्वेश्चंस बनाए गए हैं, हमने इसको कंपेयर किया है 2010 के क्वेश्चन से, और इसमें इस बारी माता पिता के जन्म स्थल की जानकारी मांगी गई है, ये जो कि 2010 में मांगी नहीं गई थी। इसी तरह उन्होंने कहा कि अगर भारतीय हैं तो उस पासपोर्ट की डिटेल्स देने पड़ेंगे। ऐसे ही आधार, मोबाइल, वोटर आईडी, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस की भी मांग की गई है, लेकिन यहाँ पे कहा गया है कि अगर आपके पास हो तो ही देना है, ये कंपलसरी नहीं है। तो अभी इसमें सबसे ज्यादा फिक्र करने की बात यह है कि जो माता पिता की जन्मस्थल की जानकारी मांगी गई है, इससे लोगों में डर पैदा हो गया है, क्योंकि लोगों का कहना है कि इसका ताल्लुकात डायरेक्टली एनआरसी से होता है। इसी के साथ आपको कांग्रेस नेता का बयान भी देखना चाहिए, क्योंकि पूरा मीडिया कह रहा है साहब उनके दौर में भी तो हुआ था, तब तो किसी ने कोई हल्ला नहीं मचाया था। तो उनके नेता का भी बयान सुन लीजिए कांग्रेस के, वो क्या बता रहे हैं कि हमारे दौर में जब हुआ तो क्या फर्क था और इनके दौर में जो हो रहा है क्या फर्क है। नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर साधारण निवासियों के लिए हम लोगों ने अपने समय के ऊपर इकट्ठा किया था 2011 के अंदर, 2012 में एक्सरसाइज कंप्लीट हुई, और ये एनआरसी के साथ में इसको लिंक करना चाहते हैं। हम लोगों ने कभी भी एनपीआर पॉपुलेशन रजिस्टर को, जो साधारण निवासी था, उसको हम लोगों ने सिटीजन्स के साथ में, नागरिक के साथ में लिंक नहीं किया। मरियम अलवी की रिपोर्ट और कांग्रेस नेता का बयान देखकर बहुत सारी चीजें आपको साफ हो गई होंगी कि उनके और इनके एनपीआर में क्या फर्क है। अब खबर के दूसरे हिस्से में आपके सामने ये रखने जा रहा हूं कि एनआरसी का ही असली पहला रूप है एनपीआर, और ये दस्तावेज के साथ, लिखतम के साथ देख लीजिए, क्योंकि लिखतम के आगे भक्तम नहीं चलती, पर वो अलग बात है कि बीजेपी आज गांव के उस आदमी की तरह हो गई है जिसे जाके लोग समझाते थे भाई दो और दो चार होते हैं, वो कहता था ठीक है तुम कह रहे हो होता होगा लेकिन मैं मानता नहीं, दो और दो पांच ही होते हैं, वो ही जिद हो रही है देहाती वाली।